हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कोई नया नहीं है, ये टीचिंग एड्स का ही नाम इन्होंने बदल दिया है। ठीक है, आप सिलेबस में कहीं पे भी टीचिंग एड्स नहीं देखेंगे, आपको टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। तो ये इन्होंने नाम चेंज किया है, बात वही है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम टीचिंग एड्स को ही कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स है क्या। ठीक है, देखिए, टीचिंग एड्स आर इंटीजरल कॉम्पोनेंट इन एनी क्लासरूम। द मैनी बेनिफिट ऑफ टीचिंग एड्स इंक्लूड हेल्पिंग लर्नर्स इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल, इलस्ट्रेटिंग और रीइंफोर्सिंग ए स्किल कॉन्सेप्ट। देखिए, टीचिंग एड्स है क्या कि ये क्लास के अंदर जो करवाया जाता है, इसका ये पार्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए कि टीचिंग एड्स में होता क्या है, ये जो लर्नर है उसकी हेल्प करता है, यानी कि जो शिक्षार्थी है, जो छात्र है, जो लर्नर है उसकी ये हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। किसमें? कॉम्प्रिहेंशन स्किल में, यानी कि कोई भी चीज़ अगर लर्नर ने सीखनी है तो टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स उसमें बहुत सारा काम आता है, बहुत ज़्यादा प्रभावी तौर से काम आता है। ठीक है, किसी स्किल, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करता है। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग इज़ एन आर्ट विच इंक्लूड्स नॉलेज प्रेजेंटेशन एंड आर्ट ऑफ डिसेमिनेशन एंड अबव ऑल एवरी एस्पेक्ट ऑफ पैरा लिंग्विस्टिक। देखिए, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, टीचिंग एक कला है जहाँ पे नॉलेज होती है, जो ज्ञान है, जो प्रेजेंटेशन है, तो उसमें सारे के सारे पार्ट जो है वो कवर किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, टीचिंग डिमांड्स ब्रॉड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन ऑल हॉरिजन्स, कंप्लीट करिकुलम विद स्टैंडर्ड्स, पॉजिटिव एंड कैरिंग एटीट्यूड्स एंड एंथुसिएज्म एंड ए डिज़ायर फॉर लर्निंग एंड टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए, टीचिंग क्या डिमांड करता है, टीचिंग में क्या होता है, क्या है, शिक्षण में होता है क्या है कि बहुत ब्रॉड नॉलेज होती है किसी मामले को लेकर। देखिए, अगर कोई विषय, कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, वो अपने टीचिंग के माध्यम से, टीचिंग के द्वारा उस सब्जेक्ट को वो इतने अच्छे तरीके से कराएगा, इतने बेहतर तरीके से कराएगा, इतने ब्रॉड तरीके से करवाएगा कि बच्चों को समझ में आए। अभी किसी सब्जेक्ट से संबंधित बहुत ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज प्रोवाइड कराती है किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। किसके करवाई जाती है छात्रों को, किसके द्वारा, टीचिंग के द्वारा। अब टीचिंग किस में पॉसिबल होती है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में, यानी कि एक तरफ है टीचर, एक तरफ है छात्र या स्टूडेंट या लर्नर, तो दूसरी, तो बीच में उनके क्या है, टीचिंग। अब टीचिंग को सपोर्ट भी होना चाहिए ना, कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो टीचर जो है अपनी टीचिंग तो दे रहा है पर किस माध्यम से दे रहा है, वो होता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। देखिए, मिस्टर डी हॉल सेज दैट द मटेरियल शुड इनकरेज लर्नर टू डेवलप देयर लर्निंग स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज एंड द एक्टिविटीज सच एज रिकॉर्डिंग ऑफ देयर कन्वर्सेशन। देखिए, जो मटेरियल है वो इनकरेज करता है स्टूडेंट को उनकी लर्निंग स्किल के हेल्प करने के लिए, उनकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, TLM, यानी TLM क्या है यहाँ पे, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, इज कॉमनली यूज एक्रोनियम दैट स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स। ठीक है, TLM की फुल फॉर्म क्या है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, यानी कि टीचिंग और लर्निंग में जो मटीरियल यूज होता है उसे। ब्रॉडली द टर्म्स रेफर टू स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशन मटीरियल दैट टीचर यूज इन द क्लासरूम टू सपोर्ट स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एस आउट सेट आउट इन लेसन प्लान। यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का जो क्लास में इस्तेमाल करते हैं तो उसे बोलते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लास में यूज़ किया जाता है कि लेसन को पढ़ाने के लिए, यानी कि टीचर ने कोई सब्जेक्ट, कोई लेसन पढ़ाना है बच्चों को, अब वो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेगा, किस हिसाब से पढ़ाएगा, तो वो होता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। देखिए, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, इसमें क्लास में डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। देर आर मैनी एड्स, जैसे कौन कौन से, देखिए, जैसे ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। ऑडियो में क्या, आपको आवाज़ सुनाई देगी, विजुअल में आपको अकेला चीज़ दिखाई देगी, वीडियो दिखाई देगी, ऑडियो विजुअल में आपको दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो दे हैव वेरी मच इंपॉर्टेंस इन TLP टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जो क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है वहाँ पे क्या होता है कि ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो इसी प्रोसेस में, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग है, तो कई बार उनको टीचर जो है अलग तरीके से समझाते हैं, वो सारे किसमें काम आते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये होते क्या है, ये होते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम।
देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट आर कॉल्ड टीचिंग एड्स, यानी कि जो तरह तरह के जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसे बोलते हैं टीचिंग एड्स। द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम हैव आल्सो बीन इफेक्टेड बाय द टीचिंग एड। देखिए टीचिंग लर्निंग जो प्रोग्राम है वो भी टीचिंग एड्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। स्कूल एंड कॉलेज आर कंसिडर देयर एड दीज एड्स इन फॉलोइंग एस्पेक्ट। देखिए जो प्रोसेस रहता है टीचिंग लर्निंग वो किस पे किसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लास में कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल है। देखिए क्लास में क्या क्या अवेलेबल है, अगर क्लास में प्रोजेक्टर है तो टीचर उसका इस्तेमाल करेगा, ब्लैक बोर्ड है उसका इस्तेमाल करेगा, वाइट बोर्ड है उसका इस्तेमाल करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो टीचिंग एड्स होती हैं उसमें तरह तरह के डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, तो क्लासरूम में जो जो इक्विपमेंट अवेलेबल है टीचर उस हिसाब से पढ़ाता है। अब देखिए स्कूल कॉलेज में कौन कौन सी जो टीचिंग एड्स होती है, जो कौन कौन सी एड्स होती है, जो कौन कौन सी सहायक सामग्री होती है, तो आप ये देखते हैं। देखिए सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले होता क्या है कि किसी स्कूल या कॉलेज में अप्रोप्रिएट्स मतलब कि बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छा क्या होना चाहिए, एड्स होना चाहिए, मतलब कि टीचिंग का सामान होना चाहिए पढ़ाने के लिए। सुटेबल कम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन एड, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। देखिए जैसे ब्लैक बोर्ड है वहाँ पे चौक होगा तो तभी तो टीचर करा पाएगा ना, अगर चौक ही नहीं है तो लिख कैसे पाएगा, है ना। तो अगर प्रोजेक्टर लगा है क्लास में बिजली नहीं है तो वो चलाएगा कैसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सुटेबल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अगर प्रोजेक्टर है तो बिजली होनी चाहिए, अगर ब्लैक बोर्ड है तो चौक होना चाहिए, वाइट बोर्ड है तो मार्कर होना चाहिए ऐसे। देयर यूज़ इन प्रॉपर सीक्वेंस, इनका प्रॉपर सीक्वेंस में ठीक है इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब आ रही आती है नीड ऑफ टीचिंग एड्स या नीड ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, क्यों ज़रूरी है ये। देखिए अब बात आती है कि ज़रूरी क्यों है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टेंडेंसी टू फॉरगेट, प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प्स टू रिटेन मोर कंसेप्ट परमानेंटली इन द स्टूडेंट माइंड्स। देखिए हर जो प्राणी है, हर जो इंडिविजुअल है वो उसमें एक आदत है भूलने की, यानी कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो चीज़ों को ना भूल पाए, हर एक इंसान में आदत है वो चीज़ों को भूल जाता है। तो चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, पढ़ाया कैसे, जो पढ़ाया जो जा रहा है उसको याद कैसे रखा जाए, कॉन्सेप्ट को कैसे माइंड में रखा जाए, इसके लिए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे उसको भूलें ना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए स्टूडेंट कैन लर्न बेटर वैन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। इससे स्टूडेंट क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, वो अच्छे से सीख पाएंगे, यानी कि जब स्टूडेंट इसे अच्छे से सीख पाएंगे, अगर उनको जो पढ़ाया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उनके दिमाग में रहेगा, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, ठीक है। टीचिंग एड्स डिवेलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी हियर टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। टीचिंग एड्स में जो बच्चों को समझाया जाता है, जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे सुनते हैं, जो बच्चे महसूस करते हैं, तो उनके दिमाग में एक प्रॉपर इमेज बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे टीचर के पढ़ाने का तरीका ना वो दिमाग में उनके छप जाता है, तो वो उनको अच्छे से याद रहता है। टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। अब टीचिंग एड्स में क्या होता है कि स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। आप ये देखिए कि जैसे कोई जैसे हिस्ट्री का पढ़ाया जा रहा है तो उसकी थोड़ी सी वीडियो दिखा दे, तो बच्चों को वही चीज़ वो जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये चीज़ वाकई ऐसी हुई होगी। टीचिंग एड्स प्रोवाइड कम्प्लीट एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। टीचिंग एड्स में क्या होता है, ये कम्प्लीट एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। देखिए टीचिंग एड्स क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट। टीचिंग एड्स में क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहता है। टीचिंग एड्स हेल्प्स द टीचर टू गेट सम टाइम एंड मेक लर्निंग परमानेंट। टीचिंग एड्स में क्या होता है कि ये टीचर की हेल्प भी करता है और स्टूडेंट की हेल्प भी करता है कि जो स्टूडेंट से परमानेंट चीज़ों को समझ पाए, यानी कि एक बार टीचर ने समझा दिया तो बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए। टीचिंग एड्स हेल्प टू क्रिएट डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट। टीचिंग एड से क्या होगा, बच्चों में डिसिप्लिन आ जाएगा। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स या टाइप्स ऑफ टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। इस बार टीचिंग एड्स का नाम बदल के टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम किया है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड देखिए देर आर मैनी एड्स अवेलेबल दीज डेज, वी मे क्लासीफाई दीज एड्स एज फॉलो। देखिए बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे एड्स हैं टीचिंग के लिए, तो हम देखते कौन कौन से मैंने देखे।
पहला नंबर पे आता है विजुअल एड्स। विजुअल का मतलब होता है जो हम चीज़ें देखते हैं, यानी कि हमें कैसे पढ़ाया जाता है टीचिंग में, जो हमें सिर्फ दिखाई देता है। एक होता है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स कौन सा है? जिसमें हमें सिर्फ सुनाई देता है स्पीकर से, ठीक है, पढ़ाई होती है सिर्फ ऑडियो में। तो एक होता है ऑडियो विजुअल, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये सुनाई भी दे रही है, आपको ये दिखाई भी दे रही है, तो ये होता है ऑडियो विजुअल एड्स। ये सारे ही टीचिंग एड्स का क्या मतलब है कि पढ़ाने का तरीका, जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो किस तरह से पढ़ाता है बच्चों को, वो विजुअल एड्स से भी पढ़ाता है, वो ऑडियो एड्स से भी पढ़ाता है, वो ऑडियो विजुअल एड्स से भी पढ़ाता है। तो फ्रेंड देखिए, ऑडियो एंड विजुअल एड्स हैव मैनी इफेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑन प्रोवाइडिंग लर्निंग परमानेंट। देखिए, जो ऑडियो और विजुअल एड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है लर्निंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि अगर आपको कोई हिस्ट्री की, आप कोई ये मान के चलेगा कोई हिस्ट्री का कोई चैप्टर मुश्किल में लगता है ना, तो आप अगर वही चीज़ आपको जैसे मूवी बना के दिखा दी जाए, तो आपको वो देखोगे तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। अंग्रेज़ों का टाइम आपको बहुत मुश्किल से याद होगा। अगर आप वही कोई फ्रीडम फाइटर की मूवी देख लोगे जिसमें अंग्रेज़ों का भी दिखाया होगा, तो आपको वो सीन से आपको वो सारे का सारा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री याद हो जाएगी। तो कहने की बात ये है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं तो हमें वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, तो परमानेंट लर्निंग के लिए ऑडियो विजुअल एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोर ए लर्निंग एक्टिविटी एड्रेसेस टू फाइव सेंस, द मोर द लर्निंग इवेंट्स बिकम इफेक्टिव एंड परमानेंट एंड फॉरगेटिंग बिकम लेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, बहुत ही कम रहता है कि व्यक्ति भूल सकता है। तो ये एड्स क्यों बनाए जाते हैं कि ताकि पढ़ा हुआ आसानी से याद हो जाए और बहुत कम भूले। ड्यू टू रिसर्च मेड इन टेक्सस यूनिवर्सिटी इन USA, व्हेन द टाइम फैक्टर इज टेकन स्टेबल, रिमेंबरिंग वॉज फाउंड आउट बाय परसेंट एट फॉलोइंग हैविंग ह्यूमन बींग रिमेंबर। देखिए, जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है USA में, वहाँ पे एक रिसर्च की गई थी, एक शोध किया गया था कि जब इंसान कोई चीज़ पढ़ता है तो उसको कितने कितने परसेंट याद रहता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, 10% ऑफ दे रीड, यानी कि जब इंसान कुछ चीज़ पढ़ता है उसको पढ़ा हुआ 10% याद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे इंसान कुछ भी चीज़ पढ़ेगा उसको सिर्फ 10% ही याद रहेगा। तो 20% ऑफ दे हर्ड, जो ह्यूमन बींग्स है, जो वो कुछ सुनता है उसको सिर्फ 20% याद रहता है। 30% ऑफ दे सॉ, यानी कि जो वो देखता है उसको 30% याद रहता है। ठीक है, दिन भर में आप जितनी भी चीज़ें देखोगे आपको सारी याद नहीं रहेंगी, सिर्फ आपको 30% याद रहेगा। नेक्स्ट है 50% ऑफ दे सॉ एंड हर्ड, 50% उसे क्या याद रहेगा जो उसने देखा और सुना है। आप कोई भी मूवी देख के आइए, आपको सारी की सारी याद नहीं रहेगी, आपको वो 50% याद ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 70% ऑफ दे सेड, इंसान का जो वो कुछ बोलता है, जो भी कुछ बोलेगा उसका, उसको 70% यानी कि 70% याद रहता है। 90% ऑफ दे डिड एंड सेड, 90% यानी कि 90% जो किसी इंसान ने कुछ किया होगा या कुछ कहा होगा वो उसको याद रहेगा। यानी कि उसने अकेला कुछ कहा होगा तो 70% याद रहेगा, अगर उसने कुछ किया भी होगा, उसने कुछ कहा भी होगा, तो उसे 90% याद रहेगा। तो ये किसमें शोध हुआ था? ये हुआ था टेक्सास यूनिवर्सिटी USA में, जिसमें ह्यूमन बींग के बारे में बताया गया है। तो आप ये देखिए कि अगर हम सिर्फ किताबों के ऊपर जोर दें, ठीक है, तो हमें सिर्फ 10% याद ही रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आज के ज़माने में एजुकेशन में थोड़े से सुधार हो रहे हैं, टीचिंग एड्स में नई नई चीज़ें आ रही हैं, जिससे जो कुछ पढ़ाया लिखाया जा रहा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, विजुअल एड्स को हम थोड़ा डीपली करेंगे। देखिए, द डेट्स द एड्स विच यूज सेंसेस ऑफ विजन आर कॉल्ड विजुअल एड्स, जो हम चीज़ें देखते हैं वो हमें, उसे कहते हैं विजुअल एड्स, यानी कि जो कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो फ्रेंड्स इसमें सिंपल सी बात है, जो हम कुछ देखते हैं वो विजुअल एड्स के अंदर आता है। देखिए, फॉर एग्जांपल, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें जो वास्तविक होती हैं, मॉडल्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चाक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स एट्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको सिर्फ चीज़ें दिखाई देंगी,
ठीक है, आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। आउट ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड एंड चॉक आर कॉमनेस्ट वंस। देखिए इसमें से जो ब्लैक बोर्ड है, जो चॉक है, वो तो कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए टीचर क्लास में जब पढ़ाएगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो चॉक से लिखेगा, अब आपको वो सिर्फ दिखाई दे रहा है, वो क्या है, विजुअल एड्स, यानी कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ओनली, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बताइए कि ये कौन सी एग्जाम्पल है, तो आप ये बता सकते हैं ये विजुअल एड्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑडियो एड्स। द एड्स आर दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, यानी कि वो चीज़ें जो सिर्फ हमें सुनाई देती हैं उसे कहते हैं ऑडियो एड्स, यानी कि देखिए रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आप रेडियो में कोई चीज़, कोई खबर सुनोगे, आपको वो याद हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी तरीका है। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए द एड्स विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हेयरिंग आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें क्या होता है कि चीज़ें हमें दिखाई भी देती हैं, हमें सुनाई भी देती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स। देखिए अगर आप टेलीविज़न में कुछ चीज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, आपको वो दिखाई भी देती हैं, वो सुनाई भी देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप कोई पिक्चर देखते हो, आपको वो सुनाई भी देगी, वो दिखाई भी देगी, जैसे मूवी वगैरह कोई देखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये मेरा आप लेक्चर देख रहे हो, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, ये कौन सी ऐड है, ये ऑडियो विजुअल एड्स है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर।